आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देखिए हो गई सुबह, बस शुभांगी गई स्कूल और मैं अपना काम शुरू कर दी। मैं बैठी थी चाय पीने के लिए, सबको कुछ बोल रहा था तो वहाँ से रही थी, और ये देखिए क्या बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। और ये बाहर की तरफ क्या तो चाची वाची बोल रही थी कि कचरा वाला है क्या, बस यही सब हम बातें कर। और ये देखिए दोस्तों हमारा खाना बन रहा है, और इधर चावल रख दिया है, इधर सब्जी बना रहे हैं, इधर आलू गोभी है, और ये हमने अजवाइन का आटा गूंद के रखा है, अजवाइन नमक डाल के इसका बनाएंगे आटा, बस खाते हैं आपको बाद में। ये देखिए दोस्तों अब साफ हो गया हमारा घर पूरा, एकदम क्लीन हो गया, साफ सफाई हमने कर दी पूरा, देख ले आप लोग भी देखिए कितना, मतलब है छोटा सा, थोड़ा सा कैसा है, बारिश वारिश में बहुत सीलन हो जाती है। और इधर का देखिए जो हमने ज़्यादा लगाया था उसको भी हटा दिया है, कपड़े पे ज़्यादा थे सूख नहीं रहे थे। और ये देखिए गैस वैस एकदम पहुँच के खाना वाना एकदम हमारा फिट हो गया। और ये देखिए मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है, और अब बस हो गए सारे काम, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और सब गए स्कूल, मिलते हैं जब बच्चे आ जाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों सुब्बू आया स्कूल से, गीला हो गया पूरा, देखो बारिश हो रही है अभी भी, ये हल्की फुल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी गीला हो गया। सुब्बू कैसा है, साइकिल से आना जाना है, और बारिश कैसी लग रही थी? बारिश ज़्यादा नहीं थी। हाथ मुँह धो के आ जाओ, नहीं थी लेकिन मैं क्या बोल रही, हाथ मुँह धो के आ जाओ खाना कर लो। आजकल बच्चों का यही रहता है, बारिश में गीले हो जाते हैं। चलो मुँह हाथ धो के आ जाओ। और दोस्तों बच्चे गए हैं ट्यूशन, और मैं बनाने जा रही हूँ आज उनके लिए बनाऊँगी पिज्जा, वो भी स्वीट कॉर्न का, और दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये है स्वीट कॉर्न, जिसको हम निकालेंगे, बैठ के पहले निकाल लेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और आज बच्चों की फरमाइश थी पिज्जा की, तो ट्यूशन से आने के बाद उनको मिलेगा पिज्जा, और बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। गाइस पिज्जा का सामान आ गया, ये है सॉस, ये चीज़ मंगाई थी, और इसमें थोड़ा सा मिर्ची और सांभर है। गाइस तीन भुट्टा था, मैंने तीनों निकाल दिया, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है दाना। बस पिज्जा की तैयारी करने जा रही हूँ। चुप रहो, चुप। देखिए दोस्तों ये है मैदा थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे हम आटा, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा हेल्दी भी बनाना है और थोड़ा सा टेस्टी भी बनाना है। ये हो गया हमारा आटा और मैदा। इतना सोडा, ज़्यादा सोडा भी नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी दही, पहचान जाती हूँ कि आपके ब्लॉग से। बंद कर दो बेटी। और ये देखिए दोस्तों मैंने इसको उबाल लिया, जो भुट्टा हमने छील के रखा था निकाल के, दाने हम निकाले थे, और इसको कैसा एक सीटी लगा देंगे ना तो अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि पिज्ज़ा बनाते वक्त फिर वो पकेगा नहीं। थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ एक सीटी लगानी थी मुझे, ज़्यादा नहीं लगानी थी। और बस कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे, और ये देखिए सब्जी उब्जी कट करके रखी थी हमने, और ये तवा चढ़ा दिया हमने, नॉन स्टिक पैन मतलब तवा लिया है जो जिसमें डोसा बनता है। और ये देखिए हमारा आटा, 10-15 मिनट हो गए थे हमको आटे का बना मतलब गूंद के रख दिया था हमने, और इसकी हम रोटी बना लेंगे, इसकी मोटी थोड़ा सा मतलब रोटी बनाएंगे। और ये देखिए ज़्यादा इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब चक्कू से कर दिया कि ताकि ये फूले ना, नहीं तो रोटी कैसा भी फूल जाती है। और ये आगे मतलब ज़्यादा नहीं पकाना था, थोड़ा सा पकाना था, बाकी वो फिर धीरे धीरे पक जाएंगे अपने आप। बहुत धीमी आंच में हमने बनाया था क्योंकि हमारे पास में ओवन नहीं है, बस हम ऐसे ही मतलब देसी जुगाड़ करके बनाना है,
और ये देखिए हमने पिज्ज़ा सॉस निकाल लिया था, एक चम्मच इसमें लगाएंगे पिज्ज़ा सॉस, फिर उसके बाद में इसे सब्जी उब्जी डालेंगे वो लगाएंगे इसमें पिज्ज़ा सॉस। देखिए आप लोग, बस पिज्ज़ा सॉस लगाने से टेस्ट अच्छा हो गया था। और कोई कोई वो वाला सॉस लगाता मतलब मीठा वाला, लेकिन बच्चों को हमारे पिज्ज़ा सॉस बोले लगाना है। और ये टमाटर कट करके रखे थे मैंने सब्जी, यही हमारे पास में थी शिमला मिर्ची और टमाटर, और बच्चों को भी अच्छी लगती है। ये टमाटर हम अच्छे से रख देंगे और ये धीरे धीरे करके शिमला मिर्ची टमाटर सब एक साथ मतलब रख देंगे। और ये देखिए इसको लगाते हुए भी टाइम लग रहा था, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी हो गया था। और टमाटर रख देंगे इसमें, क्या सब्ज़ी रही ना तो बच्चे खा लेते अच्छे से, नहीं तो हमारी लड़की को तो ये अच्छा ही नहीं लगता। और ये देखिए हमारा हो गया था ये स्वीट कॉर्न, और ये निकाल के मैंने वो कर दिया। ये पका था ना तो कैसा ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर पकाने में, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए धीरे धीरे इधर उधर गिर जा रहे थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और इसमें चीज़ डाल देंगे, चीज़ छोटी छोटी जो पैकेट वाले मिलते हैं ना वो थी, तो फिर मैंने इसको चाकू से कट कर लिया था। वो कैसे कद्दूकस में करो ना तो आधा तो कद्दूकस में ही रह जाता क्योंकि वो चिपकने लगता। और इसको ढक देंगे और धीरे धीरे आँच में पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे और ये हमारी चीज़ जो है वो पिघल गई थी। और इसको देखिए नीचे से देख रही थी पका कि नहीं पका, उठा के कैसे ढंग ऐसा बना है। करूँ और दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।